डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ ये बोर्ड नो पावर केस में है। तो छोटा सा एक केस है और जल्दी से हम शॉर्ट आउट करेंगे और दिखाते हैं कि क्या नो पावर कैसे टाइप के है और इस बोर्ड का सलूशन क्या है। मतलब इस बोर्ड नहीं, अभी जो मैं सलूशन बताऊंगा जो कि मैक्सिमम बोर्ड में वो काम करेगा, तो आपको ढूंढना है बस उस बोर्ड में वो कंपोनेंट है कि नहीं। तो ये एक कंपोनेंट है जो कि ख़राब शॉर्ट होने से आपका बोर्ड नो पावर में चला जाता है। तो देखो ये गीगाबाइट का जी ए देख सकते हो B85M D3HA रिविशन 1.0। तो देखो ये बोर्ड भी किसी के पास शायद गया था, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर देख रहा था फिजिकल इंस्पेक्शन करके। तो देखो यहाँ पर जो कंपोनेंट है ये शोल्डरिंग किया हुआ है, ये तो मतलब भाई साहब ने भी बहुत ढूंढा था, जिसके पास भी ये गया था या फिर पहली दफ़ा कुछ और केस के लिए गया था, श्योर नहीं हूँ मैं, पर इस केस के लिए गया नहीं था पर कुछ अलग केस के लिए गया था या फिर जो भी होगा एक्सेट्रा। तो देखो उससे हमारा मतलब नहीं है कि कहाँ पर गया था क्या हुआ था, पर बोर्ड जब आपके पास आए तो आप खुद की तरह बोर्ड को डायग्नोसिस करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। किसने क्या किया था वो अलग बात है, जो कर दिया सो तो कर दिया, मतलब फांसी जिसका हो गया अब थोड़ी ना बचा सकते हो। जिसको हैंग कर दिया गया है, मतलब फांसी दे चुका है, दे दिया गया है, तो उसको क्या करोगे आप? अब तो बचा नहीं पाओगे, बस ऐसा ही है। किसी ने अगर छेड़खानी कर दिया है तो कर दिया है, बहुत मना करने के बावजूद भी बहुत लोग है फिर भी इधर उधर, मतलब जो भी वीडियो मिलता है इधर उधर करता है। तो देखो अभी एक ये प्रॉब्लम दिखाता हूँ, ये देखो इसका पीएस ऑन रेडी पास। तो अभी एक फैन लगाएंगे और अभी जो ट्रिक देखे जा रहे हो, ये वीडियो अगर मिल जाता तो शायद उन्हों जो भी देखा था वोट को अगर वो चैनल पे है मेरा तो सॉल्व कर लेता, पर ये तो फर्स्ट मैं दे रहा हूँ ये वीडियो इसलिए। तो चलो आज के बाद से आप भी कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। तो देखो ये है बोर्ड, ये हमने टिगर दिया, ये है इसका फ्रंट पैनल। तो देखो टिगर बोर्ड नहीं लिया, मतलब डिवाक कार्ड क्या बता रहा है कि हाँ भाई 3 वोल्ट हमारा ओके है। तो अभी हम मल्टीमीटर पे चले जाएंगे, डिवाक कार्ड तो बता रहा है 3 वोल्ट ओके है, पर मल्टीमीटर पे हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉप को मैं ग्राउंड कर देता हूँ और DC20 पे लाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर पी एस ऑन वोल्टेज कुछ भी नहीं है, ओ सॉरी मल्टीमीटर ही नहीं है, तो वोल्टेज क्या देखोगे। तो बोर्ड को थोड़ा सा हटा देता हूँ, अब देखो तो मल्टीमीटर फॉलो करो, एक मैंने ग्राउंड कर दिया और ये जो पी एस ऑन है ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब ज़ीरो, कोई भी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं है, इसलिए ये बोर्ड ऑफ नहीं हो रहा है, सॉरी ऑन नहीं हो रहा है। अब ट्रिक की बात ये है कि भाई छोटा सा एक ट्रिक बताता हूँ जिसके वो करने से आपका बोर्ड रेडी हो जाएगा। तो छोटा सा ट्रिक क्या है, तो अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और एक बार मैं टिगर देता हूँ, देख लो बोर्ड में पावर है, ये देखो टिगर नहीं ले रहा है, मतलब पी एस ऑन यहाँ पर तो बता रहा है बोर्ड 3 वोल्ट ओके है पर स्विचिंग वोल्टेज नहीं है। तो देखो इस बोर्ड में कुछ अलग रीज़न है, हालांकि बहुत सारा इसका पीछे रीज़न हो सकता है, पर आपके पास अगर सेम बोर्ड आए तो रीज़न कुछ और हो सकता है, क्योंकि ये पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था एक रजिस्टर के वजह से भी ऐसा होता है, तो वो चेक करना होता है स्टेप बाय स्टेप। तो हर बोर्ड में एक ही वजह से ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, बहुत सारा बोर्ड है आपको यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा पर सॉल्यूशन कुछ और होगा। तो चलो इस बोर्ड को देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं पावर को पहले अनप्लग कर देता हूँ जो भी है, और डिबग कार्ड को भी हटा देता हूँ। तो ये देखो पास से देख लो, मैं बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस बोर्ड में प्रॉब्लम हमारा हो रहा है इस कंपोनेंट के वजह से, ये जो 6 लेग का एक प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन के वजह से हमारा इस बोर्ड में प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट है, सॉरी क्लियर नहीं हो रहा है, क्या हुआ ये, हाँ अब ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है इसको हटाते हैं, इस कंपोनेंट को इजीली बस मैं यूं ही रिमूव कर दूंगा नॉर्मली। तो बोर्ड को ऐसे कर देता हूँ और ऐसे रखता हूँ ताकि आपको भी दिखे, और इसको रिमूव कर दूंगा और हमारा जो बोर्ड है वो टिगर ले लेगा, और रिमूव करने के बाद हम बताते हैं कि क्यों होता है
और उससे भी डिटेल्स जानना है तो वेट कर जाओ पेड वीडियो के लिए, ठीक है। तो इससे अगर जो जो काम चला लोगे तो काम चला लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन दिक्कत नहीं है। और जिनको डिटेल्स में जानना है तो पेड वीडियो में ज्वाइन करना कुछ दिन बाद, ठीक है। तो थोड़ा सा पेस्ट डाल देते हैं, ये पेज डाल दिया। तो यही एक वीडियो जिनके पास बोर्ड गया था उनको मिल नहीं रहा था, इसलिए इधर उधर अप्लाई कर करके देखा है भाई ने शायद, क्योंकि आया है मतलब, या फिर किसी के पास पहली दफ़ा गया था या फिर गया था, क्योंकि शोल्डरिंग देख के अगर आपको पता ना चले कि बोर्ड में काम हुआ है तो समझो आप 10% भी काम नहीं सीखे हो। जब तक आपको पता चलेगा जिस दिन शोल्डरिंग देख के कि हाँ, जितने भी शार्क हाथ का शोल्डरिंग किया हुआ हो देख के पता चलता है कि हाँ यहाँ पर क्या है, पर एक चीज़ आप बोल सकते हो, हाँ इनका शोल्डरिंग का हाथ बहुत अच्छा है, वो पर किया है वो अलग बात है, पर देख के अगर आपको पता ही ना चले कि यहाँ पर शोल्डरिंग हुआ है तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ आप और भी ध्यान दिया करो काम पर और शोल्डरिंग किया करो खुद, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत बोर्ड काम करके मतलब वारंटी पीरियड के अंदर काम करके भेजा, पर वो सर्विस सेंटर वालों जहाँ पर बोर्ड वेरीफाई होता है वो अप्रूव दे दिया, मतलब मैं काम करने के बाद भी सर्विस सेंटर से वो रेडी होके आया है। क्योंकि जब कोरा जी का केस बनता है तब पार्टी क्या होता है नहीं करवाता है, क्योंकि तभी सर्विस सेंटर में भेजने की प्रयास करते हैं। तो देखो ये हमने जो है क्लियर देख लो कौन सा कंपोनेंट रिमूव किया है। एक सेकेंड, यहाँ पर इतना लाइट क्यों है भाई, ये कैमरा का क्या हुआ? हाँ आप दिख रहा है देखो, हाँ तेरी अब दिख रहा है देखो। तो ये है पावर बटन और एकदम इसके बीच ये एक 6 लेग का ये डायोड था, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो ये लगभग लगभग गीगावाइट का ज़्यादातर बोर्ड में मिल जाता है, पर इससे भी हमारा बोर्ड नो पावर में आता है, तो इस बोर्ड में मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारा बोर्ड में ऐसे 2 मिनट में काम तमाम करके बोर्ड मतलब डिलीवरी कर देते तो वो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो चलो आज एक बना देते हैं। तो देखो ये एक कंपोनेंट है जिसके वजह से आपका बोर्ड नो पावर में चले जाएंगे। और यहाँ पर मेरे केस में क्या है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा था, पर आपके केस में क्या है, यहाँ पर 3.3 से कम वोल्टेज आएगा, या फिर जिस बोर्ड में 5 वोल्ट में PS ऑन है तो 5 वोल्ट से कम वोल्टेज आएगा, मतलब 1.2 आएगा, 1.3 कुछ ना कुछ वोल्टेज आ सकता है, पर मेरे केस में इस बोर्ड में कुछ भी वोल्टेज आ नहीं रहा था। तो चलो ये जो जगह है इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं और स्टैंड को ऊपर करते हैं। चलो स्टैंड को ऊपर कर देते हैं, एक सेकंड मैं अच्छे से सेट कर दूं, ये ब्लर हो गया फिर से बस। तो अभी भी मैंने क्लीन नहीं किया, तो थोड़ा सा क्लीन कर देंगे जगह को और उसके बाद थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। कॉटन चाहिए चलो हो गया। तो अब देखो ये सरफेस जो है मैंने क्लीन कर दिया, देख सकते हो कहाँ गया, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है फोन। हाँ तो आप देख सकते हो ये हमारा कंपोनेंट था, ठीक से और एक बार देख लो, ये हमने रिमूव कर दिया, ये है पावर फोन पैनल और ये है पावर बटन ग्राउंड पॉजिटिव। तो उठा देता हूँ और दिखाता हूँ कि क्यों वह ऐसा हो रहा था। तो देखो अभी सिंपली इसको पावर देंगे, मतलब SMPS कनेक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं काम था, बस इतना ही काम था और यही वीडियो मिल नहीं रहा था बहुत सारे लोगों को। चलो दे देते हैं आज काम करो, एक सेकेंड। तो अभी पहले देख लो बोर्ड चल रहा है और वोल्टेज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नहीं करूँगा तो कुछ भी नहीं समझोगे। तो ये हो गया, अब हम टिकर देते हैं। PS ऑन तो पहले ही था और वोल्टेज अभी देखो हमारा यहाँ पर आ चुका है, ये देखो पावर दिया, 15 कोड लिया, पर ये बीप भी करेगा देखो।
दिया, डिस्प्ले आया, डिस्प्ले तो मैं डेफिनेटली आ चुका है, पर किस किस को देखना है, हाथ ऊपर करो। तो देखो फिर भी दिखा देते हैं, तो ठीक है हाथ नीचे करो, हाथ ऊपर करने की ज़रूरत, ये देखो डिस्प्ले आ चुका है, तो मॉनिटर पे देखने की ज़रूरत नहीं है। टैग किया मतलब आया है, एक बार रिस्टार्ट करेंगे, कर दिया, कोड का वेरिएशन हो गया, और हमारा कंपोनेंट ये है, ये है यहाँ पर, फिर से आएगा डिस्प्ले, आया तो ऑन बोर्ड पे चले जाते हैं और वोल्टेज को देख लेते हैं। क्यों ऐसा हो रहा था थोड़ा सा समझ जाओ, तो A0 मींस हमारा कीबोर्ड पे भी डिस्प्ले आ चुका है, ठीक है। और एक चीज़ मैं किसी भी वीडियो में कीबोर्ड ही बार बार दिखाता हूँ, एक्चुअल में यही कीबोर्ड है कि नहीं ये मैं कभी भी नहीं दिखाता हूँ, और किसी ने इसके ऊपर कभी भी मेरे को कमेंट नहीं किया कि सर यही कीबोर्ड क्या आप लगा रहे हो। हाँ भाई यही कीबोर्ड लगाता हूँ, तो ये आप लोगों का प्यार है, पर मेरे चैनल पे जो जो हो वो जानते हो क्या टाइप के मैं वीडियो देता हूँ और इसमें कितने परसेंट मतलब सच्चाई है और रॉ है, तो ये इसलिए कमेंट, एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया आज तक भी। तो मैंने कभी भी कीबोर्ड नहीं दिखाता हूँ कि कौन सा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तो देख लो आज थोड़ा सा देख ही लो, तो मेरे पास भाई एक ही कीबोर्ड है और कोई कीबोर्ड ही नहीं है मेरे पास। तो मैं और मेरा पीसी जो है उसमें ये कीबोर्ड जब मैं इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पर सबको पता है, और जब मैं डेस्कटॉप पे बोर्ड पे काम करता हूँ तो यहाँ पर डाल देता हूँ। और एक कीबोर्ड है जो इसके नीचे, ये PS2 है लॉजिटेक का। तो ये बस दो ही कीबोर्ड है टोटल मेरे घर पे, और कोई कीबोर्ड वीबोर्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए शायद किसी ने सवाल नहीं किया कभी भी। तो पॉज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इससे क्या है, मैं मुझे अच्छा लगा कि एक भी कमेंट ऐसा नहीं किया किसी ने भी, प्राउड फील हुआ खुद को। तो चलो डिस्प्ले अब आ गया है, अब थोड़ा सा देख लो कि भाई वोल्टेज का क्या मामला था यहाँ पर। तो चले आओ बोर्ड, अभी चले, मल्टीमीटर भी दिखे और क्लियरेंस हो गया, अभी भी नहीं हुआ, ऐसे रखना पड़ेगा, क्लियर हुआ ना। तो देखो मल्टीमीटर का एक प्रोब मैंने ग्राउंड कर दिया, तो अभी देखो इसका पीएस ऑन कितना है, 3.4 है, और इसका जो इस पिन में अभी देख दिखाता हूँ, एक सेकेंड मैं खुद ही नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसका एक सेकेंड, इसको मैं डाल देता हूँ इसके अंदर ताकि ग्राउंड अच्छे से हो जाए और देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो 3.4, तो अभी देखो ये देखो पीएस ऑन कितना है, 3.41। और अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, ये क्यू टिगर नहीं ले रहा था, तो ये देखो यहाँ पर एक कंपोनेंट है इसका, ये है इनपुट वोल्ट 5 वोल्ट, सॉरी कहाँ गया, 3.3, ये उल्टा पकड़ा मैंने, तो एक सेकेंड मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ, नहीं तो मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी इसका जो जो पिन में जितना रिक्वायर था वो प्रॉपरली आ रहा है, पर क्या हो रहा था तब मैंने दिखाया नहीं, तो देख अब मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो पिन है, इस पिन में कुछ भी वोल्टेज नहीं था, तो अभी जो 3.4 वोल्ट दिख रहे हो इस पिन में, मतलब और भी पास से मैं दिखा देता हूँ क्योंकि ऑनबोर्ड में नहीं कर पाऊँगा इससे ज़्यादा क्लोज, तो इस पिन में 3.440 वोल्ट नहीं था जो कि इससे कनेक्टेड है, ये देखो सेम टू सेम। तो अभी ये जो मैंने हटा दिया तो यहाँ पर आ चुका है, और इस पिन में मुझे पहले जब मैंने चेक किया तो वोल्टेज ठीक था, और यहाँ पर इस पिन में मुझे 5 वोल्ट बराबर इंस्टेंट मिल रहा था, जो कि अभी भी मिल रहा है, देखो प्रॉपरली 5 वोल्ट इसका इस पिन में मिलेगा। एक सेकेंड, ये बार बार गुम क्यों हो रहा है, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, पर 5 वोल्ट इस पिन में मिलेगा आपको। तो ये 5 वोल्ट से ग्राउंड हो रहा था, कंपोनेंट जो था वो हमारा शॉर्ट था, जिसके वजह से हमारा पीएस ऑन को टोटली ग्राउंड कर दिया था। तो यहाँ पर जब मैं टिगर दे रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा था, और ये कंपोनेंट ये वाला है, ये बहुत खतरनाक है, ये अगर ख़राब हो जाए तो आपका बोर्ड में अच्छे से देख लो, ये देखो ये वाला, तो आपका बोर्ड में डिस्प्ले का काम मतलब पावर का काम ख़राब कर देगा ये अगर ख़राब हुआ तो। तो ये अक्सर ज़्यादातर VGA और USB प्रोटेक्शन में यूज़ होता है, वही सेम चीज़ यहाँ पर ही है, एकदम सेम, मतलब USB पोर्ट के पास जो हम रिमूव करते हैं USB नॉट वर्किंग होने के कारण, और VGA पोर्ट के पीछे जो होता है वो एक ही कंपोनेंट है, एक ही नंबर का, मतलब एक ही काम है सबका। तो यही कंपोनेंट जो है ख़राब अगर हो जाए तो कभी कभार बोर्ड में ध्यान दिया करो कि इस कंपोनेंट के वजह से भी बोर्ड हमारा नो पावर जाता है,
तो मैं भी एक अच्छा सा बोर्ड के ऊपर ये केस स्टडी दिखाने वाला था, तो वेट कर रहा था, तो आज मिल गया, दिखा दिया। जो जो सेटिस्फाइड नहीं हो, इससे भी डिटेल्स में जाना है तो पहले ही बोल दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो करके जाओ, और क्या करोगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करोगे, तो एक लाइक ही करके जाओ। तो मिलते नेक्स्ट केस स्टडी में, लव यू ऑल।